की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे अब्राहम के अन्य वसन से, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति 25वां अध्याय की 1 से लेकर 6 आयत तक। बिल्कुल छोटी सी ये हम आज का ये पढ़ने वाले हैं टाइटल, अब्राहम के अन्य वसन। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए, और ये हमें मिलता है उत्पत्ति 25वां अध्याय की 1 से लेकर 6 आयत तक। सिर्फ 2 मिनट का ही वीडियो है, पूरा वीडियो देखना, पूरा वीडियो मतलब पूरा ब्लेसिंग, पूरी जानकारी, अधूरा ज्ञान सबसे हानिकारक। तो अब अब्राहम के बारे में देखते हैं, इसके अन्य वसन कौन कौन से थे। तो वो है, तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याली जिसका नाम कतूरा था। तो इन सब के बाद है, अर्थात इसहाक वगैरह के जन्म होने के बाद एक और भी विवाह है अब्राहम ने कर लिया। और उससे कौन कौन उत्पन्न हुए, जिमरान हुआ, योक्षान हुआ, मदना हुआ, मेधान हुआ, और यशबाक हुआ, और सुह उत्पन्न हुए। योक्षान से फिर शप्पा और दनान उत्पन्न हुए, और दनान के वंश में अशूरी, लत्तुशी और लूमी लोग हुए। मिधान के पुत्र एपा, एपेर, हानोक, अबोदा और एल्दा हुए। ये सब कतूरा की संतान थी। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया, इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया। और आगे हम देखते हैं, सब कुछ दे दिया पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूर्व देश में भेज दिया। तो हम देखते हैं कि इसहाक को तो सारी संपत्ति है वो सौंप देता है अब्राहम, लेकिन जो उसकी जो दूसरी पत्नियां या फिर कुछ रखेलियां वगैरह उसने रख ली थी एक्स्ट्रा वाइफ, उनके जो पुत्र हुए उनको कुछ कुछ दे दिया। और लिखा है अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूर्व देश में भेज दिया। इसका मतलब क्या है कि अब्राहम को तो सब कुछ अपनी सारी संपत्ति देकर उसके जो रखेलियों के पुत्र थे उनको कुछ जितना भी वो उन्होंने मांगा या चाहा डिमांड थी वो देकर उनको अपने पास से है वो अन्य देशों में पूर्व देशों में भेज दिया। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, सबको जय मसीह।